हेलो एवरीवन, रितु इजी रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर कोल्हापुरी। पनीर कोल्हापुरी महाराष्ट्रियन रेसिपी है। पनीर कोल्हापुरी बहुत स्पाइसी और टेस्टी रेसिपी है। जब भी पनीर की तीखी स्पाइसी डिश बनानी है या आपको पनीर तीखा खाने का मन है तो आप पनीर कोल्हापुरी ज़रूर बनाएं। तो आज हम भी पनीर कोल्हापुरी बनाते हैं, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पनीर कोल्हापुरी बनाने के लिए सबसे पहले हम कोल्हापुरी मसाला बनाएंगे। कोल्हापुरी मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 चम्मच जीरा लिया है, 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच सौंफ और 1 बड़ी इलायची और ये 4 छोटी इलायची लिए हैं। 8 से 10 काजू लिए हैं, 4 मैंने लाल मिर्च लिए हैं, ये कश्मीरी मिर्च है। मैंने कोकोनट लिया है, 1 चम्मच तिल लिए हैं और 1 चम्मच मैंने मस्क मेलन लिया है, इसे हम खरबूजे के बीज भी बोलते हैं। और ये 4 से 5 मैंने लौंग लिया और दालचीनी का टुकड़ा लिया है। ये मैंने थोड़ा अदरक लिया है और लहसुन लिया है 8 से 10 कली, दो मीडियम साइज़ का कांदा लिया है जो मैंने रफली चॉप किया है, और 2 ही मैंने टमाटर लिए मीडियम साइज़ के जो रफली हमने काट लिए हैं। पनीर कोल्हापुरी बनाने के लिए सबसे पहले हम कोल्हापुरी मसाला बनाएंगे। उसके लिए मैंने गैस पे ये पैन चढ़ा दिया, इसमें हम मसाला हल्का गरम करेंगे, रोस्ट करेंगे हल्का। मसाला अच्छे से रोस्ट हो गया है, इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अभी हम इसे ठंडा करके मिक्सी के जार में पीसेंगे। अभी गैस पर हमने दूसरा पैन चढ़ाया है जिसमें हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे। मैंने सरसों का तेल लिया है, आप कोई भी तेल ले सकते हैं। और इसको हम अच्छे से गर्म होने देंगे। गर्म होने के बाद हम इसमें बाकी का मसाला डालेंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया, इसमें मैं ये लहसुन और अदरक डालूंगी, इसको अच्छे से फ्राई करूंगी। ये हल्के फ्राई हो जाएंगे, फिर मैं इसमें प्याज डालूंगी, प्याज को भी मैं इसमें अच्छे से फ्राई करूंगी। अभी मैं इसमें खरबूजे के बीज डालूंगी और इसके बाद इसमें मैं काजू डालूंगी। इन सबको भी अच्छे से प्याज के साथ फ्राई करूंगी। कोल्हापुरी मसाला भी ठंडा हो गया, अभी हम इसे जार में पीसेंगे। प्याज अच्छे से फ्राई हो गई है, इसका कलर भी लाइट ब्राउन आ गया है। अब हम इसमें ये कटे हुए टमाटर डालेंगे, टमाटर को भी अच्छे से गलाएंगे। गलाने के लिए हम इसमें 1/2 चम्मच नमक डालेंगे और इसको मीडियम गैस पर रखेंगे। टमाटर बहुत अच्छे से गल गया है, अब हम इसको गैस को बंद करेंगे और मिश्रण को ठंडा होने के बाद इसको मिक्सी में पीस के लेंगे। टमाटर और प्याज का जो मिक्सचर था ना, वो पीस के तैयार है। अभी हम गैस पे पैन रखेंगे और पैन में हम तेल डालेंगे। तेल को अच्छे से गरम करेंगे। तेल गरम हो जाएगा उसके बाद जो हमने प्याज टमाटर का पेस्ट तैयार किया था उसको हम इस गरम ऑयल में डालेंगे। और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं।
अब हम इसमें जो हमने कोल्हापुरी मसाला बनाया था उसे ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें आधा कटोरी पानी डाल के इसे भूनेंगे। इसमें थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, मिक्स करेंगे और अच्छे से भूनेंगे। किनारे से देख सकते हो कि ऑयल आ गया है और अभी हमारा मसाला बहुत अच्छे से भून गया है। अब हम इसमें आधा कटोरी पानी और डालेंगे और इसको अच्छे से फिर से पकाएंगे। ग्रेवी अच्छे अब से बन गई है। अब हम इसमें ये पनीर के पीस डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ये कसूरी मेथी डालेंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इसे आप जरूर डालें। अभी हमारा पनीर भी अच्छे से इसमें पक गया है और अच्छे से मिक्स हो गया है ग्रेवी में। अभी लास्ट में हम इसमें हरा धनिया डालेंगे। हरा धनिया भी ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, अगर आपको बच्चे पसंद करते हैं नहीं तो ना डालें। पनीर कोल्हापुरी बनके तैयार है, अब हम इसे सर्व करेंगे। पनीर कोल्हापुरी बनके तैयार है। आप इसे चपाती, पराठा या राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आप इसे एक बार तो बनाइए, ये बहुत ही स्पाइसी और टेस्टी बनता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। थैंक यू।